जिस तरह सुंदरता से जुड़ा हुआ है मेरा ये झुमका, उसी तरह जुड़े हैं कुमकुम भाग्य और कुंडली भाग्य। भाई इन दोनों की कहानियों में भी रोजाना आता है एक नया ट्विस्ट, आता है कोई ना कोई नया ड्रामा जो ले आता है इन दोनों की कहानियों में ढेर सारा एंटरटेनमेंट। तो आइए दिखाते हैं हम आपको कुमकुम भाग्य और कुंडली भाग्य की कुछ हाइलाइट्स। सृष्टि और समीर की भागम भाग। पृथ्वी के खिलाफ सबूत की तलाश। इस दिवाली प्रीता करेगी पृथ्वी का खात्मा। तेरा घिनौना चेहरा आखिर सबके सामने आ ही है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हो गया, अब तू भी जाएगी प्रीता। बाप के राक्षस का होगा विनाश और प्रीता बनेगी पृथ्वी का काश। सीसीटीवी के सीरियल कुंडली भाग्य में प्रीता बन गई है जग्गा जासूस, और देखे तो जरा कैसे वो ऋषभ को बचाने की पूरी कोशिश में लगी है, और इन सब में प्रीता का साथ दे रही है उसकी बहन सृष्टि और समीर भी। ऋषभ जेल में है और उसको फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि पृथ्वी ही है, और प्रीता को जैसे तैसे ऋषभ को जेल से बाहर निकालना है और उसे बेगुनाह साबित करना है। इसलिए पहले तो वो पहुंच गई हॉस्पिटल जहां पर एडमिट है संदीप। संदीप का ही एक्सीडेंट हुआ था ऋषभ की कार से, लेकिन प्रीता को ये पता चल गया है कि संदीप बिल्कुल ठीक है और वो ये सारा ड्रामा कर रहा है जिसका वीडियो प्रीता ने निकाल लिया है, और ऐसे में वो पहुंच जाती है संदीप को धमकी देने के लिए कि वो सारा सच कबूल कर ले। एक्चुअली ये दोनों तो मुझे कब से बोल रहे थे कि पहले पुलिस स्टेशन चलते हैं, पुलिस को तुम्हारे बारे में बताते हैं, लेकिन मैंने ही कहा कि नहीं पहले मुझे संदीप से बात करनी है। अब अगर तुम्हें पुलिस को बुलाना है तो बुला लो, फिर काम वैसे भी हो सकता है। ऋषभ जी के बेगुनाह का सबूत तभी मिलेगा जब हम ये साबित कर पाएंगे कि ये संदीप जो है ये झूठ बोल रहा है, इसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, इसके कोई पैर नहीं टूटे हैं। और आई थिंक आज हमें वो चीज़ मिल गई है, क्योंकि आज हमने इसे भागते हुए देखा है और हमने ये फ़ोन पे रिकॉर्ड भी कर लिया है। सो आई थिंक हमारे पास सबूत है, लेकिन कुंडली भाग्य में कुछ भी हो सकता है। सबूत होने के बाद सबूत डिलीट हो जाते हैं, हम कुछ साबित नहीं कर पाते हैं। तो आई जस्ट होप फिंगर्स क्रॉस कि हम ये चीज साबित कर पाए और ऋषभ जी को जेल से बाहर निकाल पाए। साथ ही प्रीता सृष्टि और समीर को पृथ्वी के खिलाफ भी सबूत मिल जाता है। हॉस्पिटल में जो डराया है, हाँ, क्योंकि हमने उसको प्रूफ दिखाया कि देखो हमारे पास प्रूफ है कि तुम ठीक हो और तुम्हें कोई चोट वोट नहीं लगी, तो आई थिंक वो डर गया और उसने कबूल कर लिया कि हाँ ऐसे ऐसे किया है, और उसने नाम भी ले लिया उसका जिसने उसको ये सब करने को कहा था। तो हम गेस कर रहे थे कि पृथ्वी है और वो पृथ्वी ही निकला, सो हम बहुत खुश हैं। तो भाई अब देखना होगा कि क्या प्रीता का ये प्लान कामयाब होता है और क्या वो ऋषभ को बेगुनाह साबित कर जेल से छुड़ा पाती है, या फिर पृथ्वी चलता है कोई नई चाल। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।